दोस्तों सोशल मीडिया पर बायकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है और इस मूवी को बायकॉट होना भी चाहिए क्योंकि ये बायकॉट होना ही डिजर्व करती है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि उनकी मूवी बायकॉट क्यों हो रही है। एटलीस्ट मध्य प्रदेश में तो इस मूवी को बैन करने की भी मांग उठ रही है। मैं शाहरुख खान से और दीपिका पादुकोण से एक पर्सनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तुम लोगों को पता है कि अगर आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाओगे तो सीधी सी बात है वो तुम्हारी मूवियों का बायकॉट करेंगे ही करेंगे। और वैसे भी उस घटिया से सॉन्ग में कौन सी अच्छी चीज़ें बताई गई है? और सबसे पहले तो तुम लोगों ने उस गाने में भगवा रंग का यूज़ किया, ऊपर से गाने का नाम लिखते हो तुम लोग बेशरम रंग। मतलब भाई बता दो ना कि आप करना क्या चाहते हो भाई। अगर आपको हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना ही है तो सीधा बता दो। और फिर अगर बाद में कोई हिंदू तुम्हारी मूवी का विरोध करता है या बायकॉट करता है तो तुम बोलते हो कि हिंदू सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लाल सिंह चड्ढा का भी फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आमिर खान ने हिंदुओं की भावनाओं को बहुत अच्छे खासे तरीके से ठेस पहुंचाया है। पीके जैसे मूवी में हिंदुओं का और हिंदुओं के भगवान को कितना ही बुरे तरीके से अपमान हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। ऊपर से इनके बयान वो भी हिंदू के विरोध में ही होते हैं। आमिर खान के कितने ही बयानों में हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। और अगर भाई हम हमारे धर्म के लिए भी ना बोले तो क्या करें, आप ही बता दो। और दीपिका पादुकोण क्या बताना चाहती है कि भगवा रंग की बिकनी पहन के और क्या ही साबित करना चाह रही हैं? पहली चीज़ तो तुम गाने का नाम बेशरम रंग रखते हो और फिर उसमें दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी पहनाते हो, तो भाई तुम करना क्या चाहते हो ये हमें पहले बता दो। बॉलीवुड वालों ने हमेशा से ही हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा अपमान किया है। दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग में रहकर देश के टुकड़े करवाना चाहती है और हम क्या इनकी मूवियों को सपोर्ट करें? अगर इस देश में आप लोगों को आज़ादी मिल रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ या दूसरे के धर्म को गलत बोलो या उसका अपमान करो। बॉलीवुड वाले तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अच्छा खासा हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इनकी मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ही पैसों पे पल रहे हैं और हमें ही गलत बोल रहे हैं। अगर इस देश की पब्लिक तुम्हें एक हीरो बना सकती है तो इस देश की ही पब्लिक तुम्हें याद रहे सड़क पर भी ला सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है इन फर्जी लोगों की मूवी देखने के लिए क्योंकि ये लोग अपनी मूवी में पूरा फर्जीवाड़ा ही दिखाते हैं। अगर तुम भगवा का अपमान कर रहे हो तो फिर अब बायकॉट को भी झेलो। मूवी तो बायकॉट होगी और मैं भी करूँगा और हम सब मिलकर करेंगे।